हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी जंक्शन की एक और नई वीडियो में। और सुबह सुबह ये देखो, ये जो चिड़िया बोल रही है ना, ये मुझे रोज़ जगा देती है। और ये आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। कल रात को मुझे दिखा था एक अखरोट का पेड़, रात को नहीं मतलब शाम को, तो अंधेरा हो गया था तो मैंने सोचा इस टाइम तो वीडियो बन नहीं पाएगी, तो अभी सुबह मैं जाऊँगा उसको लेने और उसको अपने घर के पास लगाऊंगा, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ वो उसकी सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ऐसे फलदार पेड़ को ऐसी जगह लगाना चाहिए यार, जहाँ से उनको सही से खाद पानी वगैरह मिले। ठीक है, पहले तो फल देंगे, और फल नहीं देंगे तो दोस्तों कम से कम हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मज़ा लीजिए उत्तराखंड की हसीन हरी भरी वादियों का। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले आज सुबह मौसम का हाल तो बहुत सुहाना मौसम है और धूप निकल चुकी है और पक्षियाँ आसपास चहचहा रहे हैं। हमारे जो जानवर हैं वो बाहर निकल चुके हैं। और ये चल रही है इधर घर के आसपास साफ सफाई। और अब चलते हैं अखरोट का पेड़ लेने। और मेरे साथ कौन कौन आ रहा है भाई, हाय करो। हाय। ये है मेरी परमानेंट टीम, जो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे साथ ही चलेंगे। और कुदाल रखी है छन्नी में यानी गौशाला में, तो वहाँ से लेंगे कुदाल और फिर लाएंगे अखरोट का पेड़। अब गाइस, मैं अखरोट के पेड़ पे इतना जो है क्यों वीडियो बना रहा हूँ या क्यों इसको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो हम पहाड़ियों का फेवरेट फ्रूट है अखरोट, ऊपर से इसकी आजकल जो वैल्यू है, जो ड्राई फ्रूट में अखरोट की वैल्यू है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेजोन पे और ऑनलाइन ग्रोफर्स वगैरह पे आप देखोगे 1-1,000 रुपये किलो जो अखरोट बिकते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ी लोग जो है क्या भाव देते हैं, 1 रुपये के 2 देते हैं और 1 रुपये के 4 भी देता है कोई, तो मतलब हम लोग को उसकी वैल्यू पता नहीं है। हालांकि अखरोट के पेड़ लगाने के बाद ये अखरोट देने तो काफ़ी दिन बाद स्टार्ट करेंगे, लगभग 8 से 10 साल बाद भी दे सकते हैं, जिस हिसाब से इनकी केयर होगी उस हिसाब से इन पे अखरोट आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पेड़ लगा के रखेंगे तो यार जब ना कभी तो देंगे ही, और अगर कुछ नहीं देंगे तो इन्वायरमेंट के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ ढूंढिए कुदाल चाहता बल्लाल, और ये हमारे बल्लाल देव, और यो से हमारा कटप्पा। हाँ भाई, कटप्पे। और ये है हमारे गौशाला का ऊपर वाला रूम, जहाँ हम लोग घास और हल वगैरह स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ मिल गई मुझे कुदाल, तो कुदाल ले चलेंगे। ठीक है, और खोद के लाएंगे। यहाँ पे आग लगी और बाल बाल बचे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कोई वो नहीं है कि अखरोट का पेड़ इधर लग सकता है, कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। पपी साइड उधर, ये देखिए, ये जो है पत्थर के अंदर से, और यहाँ इस पर अंकुरण फूटा, यहाँ ही अखरोट का पेड़ जम गया। ठीक है, और कल रात को हम जा रहे थे यहाँ से तो ये मुझे दिखा। अब क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अखरोट के पेड़ पे 2 वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहाड़ी तरीका बताता हूँ अखरोट जमाने का, जो कि 100% नेचुरल है और कारगर है। तो अब शुरू करते हैं इसको निकालने की प्रोसेस।
और दोस्तों आपको दिखाऊं तो यहाँ जो है चूहे इसको लेके गए थे और ये अखरोट के छिलके कानों नहीं जा, ठीक है, पता नहीं कितने लेके गए थे लेकिन इनमें से ये वाला जम गया। अब इसको मैं यहीं रहने देता लेकिन ओ माय गॉड पत्थर के नीचे कितने अखरोट लेके गए हैं। ऐसा इसको यहाँ पे ना सही से ये होएगा नहीं क्योंकि यहाँ इसको जानवर खा जाएंगे और जैसे ये थोड़ा बड़ा होगा इसकी हरी पत्तियाँ हैं जैसे, तो गाय बकरी बैल इसको आसानी से खा जाएंगे। तो इसको सही जगह लगाना अच्छा रहेगा जहाँ से इसका सही इस्तेमाल हो सके। ये देखो यहाँ चूहे लेके गए हैं, ये इतने अखरोट लेके गए हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक छूट गया होगा तो इसलिए वो जम गया। ये देखो ये सारे अखरोट के छिलके हैं। तो दोस्तों इस अखरोट को ना किसी ने यहाँ पानी दिया होगा ना इसको किसी ने खाद दी होगी, बस जो जमने वाला होता है वो कहीं भी जम जाता है। दोस्तों ये मैंने निकाल लिया है, हालांकि इसकी जो नीचे जड़ थी ये थोड़ी टूट गई, पूरी नहीं निकल पाई। और क्या अच्छी खासी इसकी ग्रोथ है, ठीक है, इस पौधे की। और ये इसी साल तो नहीं जमा है, ये एक साल पुराना पेड़ मुझे लग रहा है, पौधा लग रहा है, ठीक है। और हालांकि ऐसे पौधों को जो है मिट्टी सहित उठाना चाहिए लेकिन इस वक्त बारिश नहीं हो रखी है तो इसके साथ मिट्टी निकालना मुश्किल था। और वैसे ये पत्थर के नीचे जमा हुआ था तो इसको ऐसे ही निकालना पड़ा, सूखा, मतलब खाली जड़ें इसकी उखाड़नी पड़ी। और अब इसको सही जगह लगाना है, तो क्योंकि इसकी जड़ नीचे से टूट चुकी है तो इसको बढ़िया खाद और बढ़िया मिट्टी में हमें जमाना होगा, तब जाके ये लगेगा। हालांकि ये जड़ें अभी भी काफ़ी है इतना, ठीक है, तो चलते हैं। वो है मेरा घर सामने, ठीक है, और ये है हमारे खेत। तो एक अखरोट का पौधा मैं वहाँ ऑलरेडी लगा चुका हूँ और उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो वहाँ नीचे मैं लगा चुका हूँ। और अब एक पौधे को मैं लगाऊंगा यहाँ पे इस खेत के नीचे की साइड लगाऊंगा, क्योंकि बीज खेत में लगाने से इसकी जड़ें जो है खेत में फैलती है और खेत जो है ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको पहले मैं सोच रहा था यहाँ लगाने का, लेकिन यहाँ लगाए करंट बंदरों के लिए, तो वहाँ लगाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं लगा रहा हूँ इसको खेत के नीचे वाली साइड में। और दोस्तों ये मैंने कर लिया है यहाँ पे गड्ढा और पेड़ उसमें डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसको ज़्यादा खाद और पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें खाद डालेंगे और हमेशा की तरह मैं यूज़ करता हूँ गोबर की खाद पेड़ पौधे लगाने में। और ये एक थैली भर के मैंने इसमें खाद डाल दी, ठीक है, और ये सारी खाद डाल देंगे इसमें। और धूप होने के कारण मुझे डिस्प्ले नहीं दिख रही थी इसलिए शायद कैमरा सही से मिडिल नहीं हो पाया। तो ये मैंने पौधे को लगा दिया खेत के नीचे वाली साइड पे। और अब डाल देंगे इसमें पानी
क्योंकि आप जब भी नया पौधा लगाते हो उसमें पानी उसी वक्त देना चाहिए, जिससे कि उसकी पकड़ जो है खाद और मिट्टी में बन जाती है, तो वो आसानी से लग जाता है। और इस पौधे को मैंने खेत के किनारे पे बिल्कुल नीचे की साइड को लगा रखा है। मैं चाहता तो खेत के बीच में भी लगा देता, लेकिन अखरोट के पेड़ की जड़ें काफ़ी मोटी और मजबूत और बड़ी जड़ें होती हैं, तो वो खेत को ख़राब कर देती है। हल जोतते टाइम पर बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसको ऐसी जगह लगाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि अखरोट के पेड़ लगते हैं फरवरी के एंड से लेकर पूरे मार्च के महीने और अप्रैल स्टार्टिंग तक, क्योंकि इस टाइम जो है स्प्रिंग टाइम चल रहा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पेड़ पे जो है अच्छी कलियां और नई जो है टहनियां आ रखी हैं, तो अखरोट का पेड़ इस सीज़न में जमता भी अच्छे से है और एक जगह से दूसरी जगह आप लगाओगे तो लगते भी अच्छे से हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।